हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम पर है एंड ये प्रॉब्लम हर किसी को हो सकती है, लड़कियों को, लड़कों को, सभी को। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डार्क सर्कल्स, यानी कि आँखों के काले घेरे जो हमें यहाँ पर हो जाते हैं एंड जो हमारा पूरा लुक ख़राब कर देते हैं। हम फिर उनको करेक्टर पेन से या फिर कंसीलर से छुपाते रहते हैं एंड एट दी एंड बस मूड ख़राब कर देते हैं डार्क सर्कल्स। एंड डार्क सर्कल्स होने के काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं एंड सबसे बड़ा रीज़न है टाइम पे नहीं सोना, जो कि मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लेट नाइट हो जाता है किसी ना किसी काम की वजह से और काफ़ी देर लैपटॉप पे भी देखते रहती हूँ, तो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। बट देन यू नो, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है एंड वो सोल्यूशन मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, वेरी ईजी। आपको ज़्यादा महंगी मार्केट की क्रीम में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वो मार्केट की क्रीम से कम नहीं है। उसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड मैंने खुद पर देखे हैं वो इफ़ेक्ट्स, इसलिए मैं इतनी गारंटी के साथ और इतनी कॉन्फिडेंटली आपको बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी आई जेल बनाना सिखाऊंगी जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपके लाइक डार्क सर्कल्स यूँ चले जाएंगे एंड नज़र भी नहीं आएंगे। एग्जैक्टली, आई मीन दिस। आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए, रिलीजियसली यूज़ कीजिए एंड आप देखेंगे कि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो एकदम जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल बटन। और अगर आज का वीडियो यूजफुल लगे दैन मेक श्योर दैट यू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए आपके ये वीडियो शेयर करने से। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हमें ये जेल बनाना है। तो एक साफ कटोरी में पहले हमें लेना है एलोवेरा जेल। आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, आपको जितनी क्वांटिटी बनानी है उतना एलोवेरा जेल ले लीजिए। फिर इसमें ऐड करना है विटामिन ई के कैप्सूल्स। मैंने यहाँ पर 2 कैप्सूल्स ऐड किए हैं। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है बादाम का तेल। मैं यहाँ पर रोगन बादाम शरीन ऐड कर रही हूँ। अब इन तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है तब तक जब तक ये तीनों एक दूसरे में अच्छे तरीके से ब्लेंड ना हो जाए। अभी अच्छे से ब्लेंड हो गया है, मैं इसे कंटेनर में निकाल लूंगी। मैंने इसको इस कंटेनर में निकाल लिया है। तो अब इस जेल को यूज़ कैसे करना है बताती हूँ। आपको आपकी रिंग फिंगर लेना है। वैसे आप किसी भी फिंगर से मसाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिंग फिंगर से करेंगे तो बेटर है, क्योंकि रिंग फिंगर से हमारे जो यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं उन पर प्रेशर कम पड़ता है। एंड रिमेंबर, हमें डार्क सर्कल्स हटाने हैं एंड रिगरस मसाजिंग, यानी कि एकदम रगड़ना नहीं है आँखों के नीचे, क्योंकि वहाँ की स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ज़्यादा आप रगड़ेंगे तो रिंकल्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं। तो रिंग फिंगर जो होती है उसमें ना उससे कम प्रेशर पड़ता है, तो आपको रिंग फिंगर का इस्तेमाल करके ये जो जेल है वो लेना है एंड इस तरीके से रब करना है बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से। आपको पहले ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा रब करना है एंड फिर क्लॉकवाइज भी रब करना है। दोनों डायरेक्शन में आपको रब करना है। आप इसको ऑब्वियसली मैंने ऊपर लिड पे भी लगा रखा है, क्योंकि काफ़ी बार मेकअप करने से भी ना कभी कभी स्किन ऐसे डैमेज हो जाती है, तो नरिशमेंट मिल जाएगा लिड्स को भी। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो दैट्स फाइन, आप नीचे डार्क सर्कल्स पर ही अप्लाई कर लीजिए इसको। 1 से 1.5 मिनट आपको इसकी मसाज करनी है। आपके सोने से पहले करना है आपको ये रूटीन। आप दिन में कभी भी कर सकते हो अगर आप फ्री हो, लेकिन हाँ, रात में सोने से पहले आप जो अपनी स्किन केयर रूटीन, नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, आई होप कि करते हैं, नहीं करते हैं तो जल्दी से शुरू हो जाइए। नाइट स्किन केयर रूटीन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो स्किन केयर रूटीन का एक पार्ट होता है ये, तो आपको बस अप्लाई करना है इस तरीके से। एंड बस इस तरीके से अप्लाई करके रात भर छोड़ देना है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही चेंजेस देख लेंगे, काफ़ी जल्दी फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। एंड इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके जो डार्क सर्कल्स हैं उन्हें रिमूव करने में। विटामिन ई ऑयल है एंड रोगन बादाम शरीन जो मैंने यूज़ किया है, आमंड ऑयल, उससे तो आप वाकिफ ही होगी कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर डार्क सर्कल्स की जहाँ बात आती है। तो यस, ये था आज का अंडर आई जेल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इजी है बनाना, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा इसको बनाने में एंड आप जितनी चाहे क्वांटिटी बना सकते हैं, क्योंकि आप इसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि ख़राब हो जाए।
तो आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे फ्रिज में स्टोर कर लीजिए ताकि जब आप इसे अप्लाई करें तो एक ठंडा ठंडा यू नो सूदिंग इफेक्ट भी आपकी आंखों को मिल जाए। तो यस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको यूजफुल लगा होगा, ईजी लगा होगा, एंड अगर लगा हो देन मेक श्योर दैट यू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।